वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपको बताऊंगा कि हम इंजन के टैपेट कैसे सेट करते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये टैपेट बॉक्स है, उसके ऊपर एक कवर लगा हुआ होता है, 13 नंबर का इसमें बोल्ट लगा हुआ होता है, उसको हम पहले खोलेंगे। क्या होता है, जब हमारे टैपेट टाइट होते हैं तब कंप्रेशन नहीं आता इंजन के अंदर, और जब टैपेट ढीले होते हैं तब हमारा इंजन अच्छे से लोड नहीं लेता है और एयर की तरफ बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। तो ये देख सकते हैं आप, ये टैपेट हैं, इसको हमें अच्छे से बैलेंस करके टाइट या ढीला करना होता है। पहले हम दोनों टैपेट हैं, दोनों रोड जो हैं ये, इसको डांसिंग पोजीशन में लगाएंगे। डांसिंग पोजीशन क्या होती है, जब हमारे व्हील के द्वारा आगे पीछे करने से व्हील को दोनों जो टैपेट हैं वो ऊपर नीचे होंगे। ये देख सकते हैं आप, ये अब थोड़ा सा व्हील हम आगे पीछे कर रहे हैं तब हमारे दोनों टैपेट ऊपर नीचे हो रहे हैं। पहले एक नीचे हो रहा है फिर दूसरा नीचे हो रहा है, तब हम इसको बीच में ले आएंगे एकदम, फिर हम इसको देखेंगे सही से। इसको कहते हैं हम डांसिंग पोजिशन। क्या होता है कि जब हम दोनों वाल्व जो हैं हमारे वो डांसिंग पोजिशन में ले आएंगे, तब हम अपना फ्लाई व्हील है उसको पूरा एक राउंड घुमाएंगे, 360 डिग्री उसको घुमाएंगे, और फिर हम टैपेट को सेट करेंगे पाने के द्वारा और पेचकस के द्वारा। इनके बीच में गैप बता देता हूँ मैं आपको कि कितना गैप होना चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ये टाइट हो रहा है हमारा वाल्व। अब जब भी हम इसको सेट करें तब हम अपने लीवर को नीचे गिरा लें, तो ये थोड़े ठीक हो रहे हैं, ये हल्का थोड़ा ढीला हो रहा है। इसके बीच में मैं आपको बता देता हूँ कि कितना गैप होना चाहिए, तो 0.20 mm का इसके बीच गैप होना चाहिए वाल्व के और ये शीट लगी हुई है जो इसमें, एक इनलेट वाल्व होता है और दूसरा होता है एग्जॉस्ट वाल्व। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं जब हम डांसिंग पोजीशन पे लाते हैं अपने टैपेट को, तो ये चाबी जो होती है हमारी व्हील की वो ऊपर की तरफ होती है, फिर हम एक राउंड घुमाते हैं 360 डिग्री, तब हम अपने टैपेट को सेट करते हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें, पहले हम डांसिंग पोजीशन में ले आएंगे दोनों टैपेट को, फिर हम व्हील को 360 डिग्री घुमाएंगे, तब हम अपने टैपेट सेट करेंगे। जो पुश रोड होती है उसके बीच में जो गैप होना चाहिए वो 0.20 mm का होना चाहिए। इसको हम पेचकस की सहायता से और पाने की सहायता से खोलेंगे और फिर जैसा होगा उसको सेट करेंगे। ये देख सकते हैं आप, इसको एंटी क्लॉकवाइज आप खोलेंगे, फिर हम पेचकस की सहायता से इसके बीच में एक स्क्रू होता है उसको टाइट या ढीला करेंगे। इसको हम थोड़ा टाइट करेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गैप दिखा रहा था, ये अब थोड़ा सही हो गया है। इसका गैप मैं बता देता हूँ आपको, 0.20 mm होना चाहिए। यदि हम बहुत ज़्यादा टाइट कर देंगे तब हमारे इंजन का कंप्रेशर ख़त्म हो जाता है, और ज़्यादा ढीला करते हैं तब हमारा एयर में से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और हमारी पिस्टन के अंदर जो आग लगती है वो सही से नहीं लग पाती है। इसको हम सही से एकदम सेट कर देंगे। मैं दोबारा से आपको बता देता हूँ, पहले हम दोनों टैपेट को डांसिंग पोजिशन में ले आएंगे व्हील के द्वारा, फिर जब डांसिंग पोजीशन में आ जाएंगे हम बिल्कुल बीच में टैपेट रहेंगे, तब हम व्हील को 360 डिग्री घुमाएंगे आगे की तरफ जैसे हमारा व्हील घूमता है। उसके बाद हम दोनों टैपेट को सेट करेंगे, ढीले करने हैं तो ढीले करेंगे और टाइट करने हैं तो टाइट करेंगे। जब भी हम सेट करेंगे टैपेट को तो हमारा लीवर जो होगा
वो नीचे की तरफ गिरा हुआ होगा। फिर हम घुमाकर देखेंगे हमारा जो कंप्रेसर है वो सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसको स्टार्ट करके देखेंगे फिर हम इंजन को। इसके बाद हम इसका टैपिट का जो कवर है उसको लगा देंगे। आपके पास कोई सा भी इंजन हो, चाहे वो 8 हॉर्स पावर का हो, 10 हॉर्स पावर का, 12 हॉर्स पावर का या 16 हॉर्स पावर का, किसी भी इंजन का टैपिट हम इसी तरह से सेट करते हैं। इसको स्टार्ट करके देखेंगे हम। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।